आज का टॉपिक है यूज ऑफ इन्फिनिटिव विद वर्ब, कि वर्ब के साथ हमारा इन्फिनिटिव कैसे यूज करेंगे। आज का टॉपिक ये है, इन्फिनिटिव क्या है, मीनिंग ऑफ इन्फिनिटिव यानी कि इन्फिनिटिव का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि वर्ब के यानी कि वर्ब के साथ टू यूज करना, वर्ब के साथ क्या यूज करना है, टू। टू यूज करके वर्ब यूज करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसको कहा जाता है इन्फिनिटिव। देखो जैसे कि टू गो, टू ईट, टू प्ले, टू सी। तो ये देखो गो हमारा वर्ब है, प्ले वर्ब है, सी वर्ब है और ईट वर्ब है। तो ईट से पहले, गो से पहले, प्ले से पहले, सी से पहले हम क्या लगा देंगे, टू। तो ये हो गया हमारा इन्फिनिटिव। क्या हो गया, इन्फिनिटिव। अब देखो इसमें जो है प्रेजेंट टेंस में क्या आता है कि सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, इसके साथ यूज करना है इन्फिनिटिव। मतलब ये है कि टू प्लस वर्ब यूज करना है। क्या यूज करना है, टू प्लस वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट रहेगा एम इज आर, यानी कि हमें पर्सन के थ्रू जो है एम इज आर और क्या बोलते हैं उसे पर्सन के थ्रू यूज करना है, और नंबर के थ्रू, नंबर क्या बोलते सिंगुलर नंबर में है तो एम इज आर आएगा, प्लूरल में आएगा तो आर यूज कर सकते हैं। उसके साथ इन्फिनिटिव जो है टू प्लस वर्ब यूज करना है, यूज करना है टू प्लस वर्ब। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे जो है एग्जांपल लिखे हैं उसको समझो कि मैं जाने को हूँ, मैं जाने को हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, मैं जाने को हूँ और मैं जाने वाला हूँ, दोनों सेंटेंस सेम ही है, मैं जाने को हूँ या मैं जाने वाला हूँ। इसको जो बनाएंगे तो आई रहेगा हमारा सब्जेक्ट और आई के साथ यूज करेंगे एम को, एम यूज होगा ना, आई के साथ क्या यूज होगा एम। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, एम इज आर के बाद क्या यूज करना है, इन्फिनिटिव। क्या यूज करना है, इन्फिनिटिव यानी कि टू प्लस वर्ब। तो टू यूज कर दिए और वर्ब बने जाना का क्या होता है, गो, है ना। तो आई एम टू गो, मैं जाने को हूँ या फिर मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो। सेकंड वाला क्या है कि सीधा पढ़ने को है या सीधा पढ़ने वाली है। तो सीधा इसके साथ लगेगा इस थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में इस यूज करेंगे और इसके बाद कह रहा है मिसर के बाद इन्फिनिटिव यानी कि टू प्लस वर्ब का यूज करना है, टू प्लस वर्ब का, यानी कि सीता इज टू रीड, टू प्लस वर्ब, टू प्लस वर्ब। गाड़ी आने को है या फिर गाड़ी आने वाली है, दोनों सेंटेंस सेम है, गाड़ी आने को है या फिर गाड़ी आने वाली है। तो ट्रेन इसके साथ लगाएंगे इज टू प्लस वर्ब, टू प्लस वर्ब यानी कि इन्फिनिटिव। टू प्लस वर्ब को ही इन्फिनिटिव कहा जाता है, इन्फिनिटिव किसको कहा जाता है, टू प्लस वर्ब को ही इन्फिनिटिव कहा जाता है। अब इसका देखो क्या यूज होता है, ये मतलब क्या है, ये बताता क्या है, ऐसे वाक्यों से ये बोध होता है, ऐसे वाक्यों से ये बोध होता है कि कोई काम जो है भविष्य में पहले निर्धारित कर दिया गया है किसी काम के लिए, कि हमने किसी चीज के लिए प्लान बना लिया, कोई काम हमें करना है उसके लिए हमने अभी प्लान बना लिया कि मैं जाने को हूँ या फिर मैं जाने वाला हूँ, जाऊंगा कल या फिर एक घंटे बाद, लेकिन प्लान बनाया तो अभी फ्यूचर में जाने वाला है, लेकिन प्रेजेंट में तो हम प्लान बनाए ना। ऐसे वाक्यों से कोई काम भविष्य में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो। तो ये टॉपिक था हमारा इन्फिनिटिव का।